जो है सीखेंगे और सीखने का जो हमें मौका मिलेगा तो मैं आप सभी के अनुरोध पर आपकी सभी की सहमति से मैं वेलकम करना चाहूंगा वेलकम सर थैंक यू थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी सर थैंक यू सो मच एंड ऑल पार्टिसिपेंट थैंक यू सो मच आज आप यहाँ पर अपने लर्निंग के आए थैंक यू सो मच अगेन आप सभी का आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर करूंगा जैसे कि हम ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम जो रिजल्ट ले रहे हैं एक्स्ट्रा रिजल्ट ले सके। इस वीडियो इस जो हमारा सैजन है इसके अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा और समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा जिस हिसाब से मैं ज्वाइनिंग लेके आता हूँ वैसे ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप भी लेके आओ और कहीं ना कहीं हम आप सबका और हमारा सबका भी जो बिजनेस है अच्छे से ग्रो करे और हमारे जो डायमंड्स वो भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस बिजनेस को जो, जो है बहुत बेहतर ढंग से लेके जाते हैं अनुरोध करूंगा कि अपना माइक जो है दे जा दे जा दे और आचार्य सर थोड़ा सजग रहें वेलकम सर सर वन सर जी सर थैंक यू सो मच जैसे कि हमें पता है कि कैसे इस बिजनेस को ग्रो करना है और कैसे एक्चुअली हमें वो सब नॉलेज है कि कैसे इस बिज़नेस को और अच्छे तरीके से हम प्रमोट करें लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रमोट करने के साथ साथ हमें एक अर्जेंसी भी क्रिएट करनी होती है इस बिज़नेस के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम इस बिज़नेस को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं और हम इस आ, इसके ज़रिए हम अपने आ, जो भी पार्टिसिपेंट हैं नए पार्टिसिपेंट उनको हम कैसे इजिली तरीके से बिज़नेस में लेके आ सकते हैं सो so, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आप सबसे मैं आ, अब लाइव मैं बताऊंगा मैंने एक पीडीएफ बनाई थी उसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिसे आप हम सब इजीली तरीके से समझ पाएंगे मैं जस्ट आपसे एक मिनट लूंगा जिससे कि मैं अपनी जो है स्क्रीन शेयर कर पाऊं यस वेलकम सर वेलकम और सभी नए साथी जो हमारे बीच उपलब्ध हैं आए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन साथियों बने रहे हैं हमारे बीच में पंद्रह से पच्चीस बीस मिनट तक जिसमें हमारे युवा लीडर सरवन सिंह राजपूत हमारे बीच में कुछ नया और जबरदस्त ऐसा तरीका जो हम सोशल मीडिया से किस तरीके से इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में हमारे बीच में स्किन सहित पधार रहे हैं तो आप सभी जो है पूरे मनोयोग से इस सेशन को जरूर लें ताकि जो हम भी इसी तरीके से कुछ नई चीजें लेकर हम आगे बढ़ सकें तो मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में खुशफुरा सर आगे हैं वेलकम सर और हमारे बीच में टी वन लीडर रामावतार मुदगल सर भी आगे हैं वेलकम सर आरपी सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं वेलकम मेरा मीनानिया सर नागौर राजस्थान से ग्रेट सर वेलकम आपका भी स्वागत है और यस श्रवन सर आपका हाँ अभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आपका जो है माइक नहीं है कौन से वाले से करेंगे देखो जी सर मैं जस्ट इस हमारे बीच में इसी दौरान राजू कुमार जी भी आ चुके हैं वेलकम आपका जीवन राजपूत सर आपका भी स्वागत है आप भी बता रहे हैं और जो भी साथी अभी जस्ट आना चाहते हैं तुरंत जो है उनको इन्वाइट कर लें कुछ सर अपने माइक अनम्यूट रखें बेस्ट रहेगा और जैसे कि मेरी जो है स्क्रीन शो हो रही होगी सर यस सर यस सर आपके स्क्रीन आ चुकी है वेलकम तो जैसे कि आज हम इस वेबिनार में जो है, है।, है, है, है इनविटेशन कैसे करना है हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इनविटेशन करना है हम जैसे इनवाइट करते हैं तो हम क्या क्या चीज जहाँ पे गलती करते हैं मुझे लगता है कि हम शायद कहीं ना कहीं गलती हैं क्योंकि अगर गलती हम नहीं कर रहे होते तो हम उस तरीको और बेहतर कर सकते जिससे कि हमारे पास में जो रिजल्ट है

यस सर लोगो थोड़ा सा आड़े आ रहा है uh, मैं जस्ट एक मिनट सर इसको बंद कर देता हूँ जिससे कि uh, ये जो है अभी ओके सर यस अब सही है यस कंटिन्यू करे सर कंटिन्यू करे कंटिन्यू करे जी सर okay. okay, जैसे कि हमें सबको पता है कि हमें प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है जिसे हम शॉर्ट में बीसीबीसी बोलते हैं मतलब कि बैकग्राउंड चेक करना और बिफोर उसके कॉल मतलब कि पहले कॉल करने से पहले हमें उस प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है अगर हमारे पास में उसका बैकग्राउंड नहीं होगा मतलब कि वो कहाँ से बिलोंग करता है कैसे क्या है अभी उसके लाइफ में क्या चल रहा है तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो शायद जो हमारी कन्वर्सेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी हो सकता है जिस टाइम पर आप हम सब कॉल कर रहे हैं जिस हो सकता है कि हम सब कॉल कर रहे हैं उस टाइम पर हो सकता है उसकी फैमिली में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी हो, हो जिससे कि वो कॉल उठाने की कंडीशन में भी ना हो

जानने वाले लोग है, कैटेग्री वाले कैटेग्री हैं हॉट कैटेगरी कैटेगरी वाली से के जरिए कर रहे हैं तो आपको अपनी कॉमन जो पॉइंट है उसको चेक करना है मतलब की प्रोस्पेक्ट के पास में ऐसी कोई चीज जरूर होगी हो सकता है कि उसकी लाइक जो बात करने की कला है वो सेम आपके जैसी हो तो आपको एक कॉमन जो है पॉइंट्स ढूंढना है जैसे कि जब मान लीजिए कि आप जो है अच्छी हेयर स्टाइल यूज करते हैं मतलब कि आपके हेयर स्टाइल और उसकी हेयर स्टाइल कॉमन है तो आप वो पॉइंट देख सकते हैं या फिर ऐसी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स और उसकी हैबिट्स के अंदर कॉमन रिलेशन होता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कॉलेज में गए होंगे तो ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लड़के होंगे जो कहीं ना कि हम कन्वर्सेशन करते हैं तो अच्छे से बात कर सकते हैं या फिर अगर आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं आउट ऑफ स्टेट गए या फिर आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जैसे लोगों को कनेक्ट करने की ज्यादा कोशिश करते हैं या फिर अगर आप आपने कहीं एग्जाम भी देने गए होंगे आउट ऑफ स्टेट तो आपने देखा होगा कि यार अपने जैसा बंदा मिल जाए तो बस अपनी दोस्ती जो है अच्छी सी हो जाए तो वो बस वही चीज है पर कि कि आपको एक कॉमन जो है 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 वो वो ढूंढना उसके अंदर अगर हो सकता है कि वो थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देखता है और आप भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो कहना कहे वो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट होना बहुत जरूरी है उसके बाद गेट इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट आपके पास में उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लाइक है कि वो भी क्या कर रहा है अभी मतलब कि उसके पास में जो है क्या स्टडी मटेरियल है और वो भी आप किस कंडीशन में है 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 जैसे हमने बात की है। उसके बाद में जो है आपको जो है जो है आपको जो आपको आपको देनी उससे पहले कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी है क्योंकि ये ऐसा यूज होना यूज द साउंड मिरर यानी कि जैसे हम अपने आईने के सामने खड़े होते हैं मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ऐसे ऐसे दिख रहे हैं या फिर हमारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है तो हम देखते हैं अपने आप को अपने आप को देख के हम अपने आप को वापस सही कर रहे होते तो वैसा ही जो है आप जस्ट कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है कि आप एक बार तो कॉल करेंगे उससे बाद में हो सकता है कि आपके कन्वर्सेशन में बहुत सारी गलतियां हुई हो तो आप उसको वापस जो है री ट्राई नहीं कर सकते मतलब आपको देख नहीं सकते आपने नहीं अगर आपने उसको रिकॉर्डिंग नहीं किया तो अगर आपने रिकॉर्डिंग किया तो आप जब भी आप फ्री होंगे तो उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअली मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ मैं कहाँ पर ज्यादा जो है हो रहा या फिर पर मेरी गलती है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अनकॉफर्टेब फील हो रहा है या फिर मेरी ज्वाइनिंग जो है नहीं हो रही है तो हमें ये चीज देखनी जरूरी है अगर हम डेली रेगुलरली अगर अपने कॉल रिकॉर्ड करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में हो सकता है वो अननोन फ्रेंड हो हो सकता है कोई आपकी कॉल कैटेगरी से पर्सन हो या फिर हो सकता है आपका बिल्कुल भी नहीं जानते हो आप रेलवे स्टेशन पर मिले हो आपने प्रोस्पेक्टिंग की हो फिर कभी आपने कॉल किया हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान तभी आपसे कनेक्ट होगा जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी जो कन्वर्सेशन अच्छी होगी हाँ एक बार में आपकी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होगी कॉलिंग पर भी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होगी लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल जलकेगा जब आप इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे अब, uh, uh, है, है अब स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम रेगुलरली कॉल नहीं कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जो है uh, जो है थोड़ा अनकंफर्ट फील हो रहा है यार कल कर लेंगे परसों कर लेंगे ऐसे करके हम जो है अपने काम को टाल रहे होते हैं तो अगर हम रेगुलरली हर दिन मान लीजिए पांच कॉल कर रहे हैं तो हमारी एक हैबिट हो जाएगी और जस्ट एक चाइल्ड का जो गेम रहता है मतलब बच्चों का जो गेम रहता है वैसा आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अगर हम रेगुलरली उस चीज को कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो जो है हमारी हैबिट के अंदर आ जाएगी जब हमारी हैबिट के अंदर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें वो है इजी वे में हम उस चीज को कर पाएंगे और इसी तरीके से हम उसको कर पाएंगे जस्ट एक कॉलिंग करना जैसे एक क्लोजिंग करना जैसे कि फॉलोअप करना बिल्कुल इजी हो जाएगा अब जैसे कि हमारे साथ में कोई नया आप कोई पर्सन ज्वाइन होता है अब उनको बोलते हैं कि भाई तुझे जो अपने फ्रेंड है उन फ्रेंड में जो है कॉल करना और उनको इन्विटेशन देना है तो वो हंड्रेड परसेंट है कि वो हेजिटेशन के अंदर आएगा वो घबराहट के अंदर आएगा ही आएगा क्योंकि उसको नहीं पता कैसे बात करनी है उसको नहीं पता कि कैसे कॉन्फिडेंट लेवल लेके आना है कैसे जो है अपनी कॉल के अंदर कन्वर्सेशन करनी है तो नाइनटी नाइन परसेंट जो है स्टार्ट करने वाले पर्सन हेजिटेस है, होते हैं घबराते हैं किसी को इन्वाइट करने से पहले और जितने भी बड़े बड़े लीडर वो भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है फेस करनी होती है जब वो फुल्ली उस चीज को ट्राई करते हैं जैसे कि अपने अपने मारवाड़ के अंदर या फिर अगर मैं बात करू राजस्थान के अंदर एक चीज बहुत फेमस है और वो इंडिया में भी फेमस है वो जो है दोहा जो है कि रसरी रस्त जाते निशान जो वो आपने सुना होगा इस चीज को तो उसका मतलब मेन डेफिनेशन ये है कि जब रस्सी जो है वो आती जाती तो पत्थर के ऊपर भी निशान बना लेती तो वैसे ही ये काम है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रैक्टिस 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 कर रहे होंगे कॉलिंग कॉलिंग कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका जो वो कॉलिंग uh, करने का जो कॉन्फिडेंस है डेफिनेटली वो ग्रो करेगा ही करेगा एंड वो जब ग्रो करेगा तो आपके अंदर आप खुद चीजों को देख रहे होंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो प्लस रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ आप उन कॉलो को वापस देख रहे हो सुन रहे हो कि यार मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ यार मैं यहाँ पे थोड़ी चीजें जल्दी ज्यादा बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं आपको खुद लगेगा कि यार मैं या तो अपने अपनी और से मैं ज्यादा बोल रहा हूँ या फिर उसको मैं सुन नहीं रहा हूँ तो क्या है कि वो उसमें आपको पता चलेगा आपकी गलतियां खुद को पता चलेगी कि यार या यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ और फिर आप नेक्स्ट वापस कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये मेरे को गलती इस, इस कॉल के अंदर नहीं करनी तो ऐसे करके आप जो है अपनी हैबिट के अंदर भी लेके आ रहे हो प्लस उन जो रिकॉर्ड की हुई कॉल्स उनसे वापस आप सीख भी रहे हो और देन आप सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपने जिन लोगों को कॉल किया है वो कॉल आप लिखो कि मैंने इन लोगों से ये बात की थी आप देखो बहुत सारे आप हो सकता है दिन में आप दस कॉल कर रहे हो लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दस कॉलों का रिकॉर्ड अपने दिमाग में रखोगे तो क्या करना है आपको आपको ये चीज देखनी है कि किसको मैंने कॉल किया किस को किस पर्सन ने कॉल उठाया और किस पर्सन ने जो है उस कॉल का रिस्पॉन्स दिया या फिर किस पर्सन ने जो है कॉल काट दिया पूरी बात नहीं सुनी या फिर किस पर्सन ने जो है पूरी वीडियो वगैरह मैंने जो सेंड की वो देखी नहीं देखी तो आपको पूरा कंफर्मेशन करना है एक लिस्ट बना लेनी है कि मैंने इसको कॉल किया इसको प्लान दिया इसको इनवाइट किया या फिर इसको मैंने क्लोजिंग करना है तो पूरा स्टेप्स करना है अगर आपने कॉल किया उसको अच्छे से बात हुई तो आपको जब इन्वाइट कर रहे हो या वेबिनार के लिए इन्वाइट कर रहे हो या फिर वीडियो भेज रहे हो तो ये क्लियर करना जरूरी है कि ये वो वीडियो देखेगा या फिर नहीं देखेगा या फिर इन्वाइट किया जो इन्विटेशन के अंदर वो आएगा वेबिनार के अंदर या नहीं आएगा ये हमें क्लियर करना जरूरी है अगर हम ये क्लियर नहीं करेंगे तो कहीं कही ना कहीं जो है हम वहां पर लिख भी नहीं पाएंगे तो अगर हम हमें क्लियर हो गया तो हम वहाँ पर टिक कर लेंगे राइट का टिक कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा यार इसको इनवाइट मैंने कर रखा है और ये फिक्स सात पच्चीस पे आ जाएगा बस इसको रिमाइंड करना है मुझे जो हमारा वेबिनार होता है उस रिमाइंड टाइम रि, पर हमें उसको रिमाइंड देना है तो ऐसे करके हम उसको कर सकते हैं या फिर अगर आप एक चीज और यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट की अगर आप उसको डेली जो है मान लीजिए आपने दस लोगों को को रोज कनेक्ट किया और उनको प्लान के के लिए लिए बोल दिया शाम करने के लिए, तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए तुरंत और उन दस लोगों को एड कर लीजिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फिर उनको एक ही साथ में आप मैसेज कर सकते हो ताकि उन सारे लोगों को चला जाएगा और राइट टाइम पर चला जाएगा तो सेम से प्रोसेस करना है, जितने लोगों को आप पूरे दिन में कनेक्ट करते हो उतने सारे लोगों को आप वहां से कनेक्ट करके लेके आ सकते हो और अपने जो है रूटीन के अंदर लेके आ सकते हो तो कीप जो है रिकॉर्ड्स uh, रखना बहुत जरूरी है आपको जो है हर चीज लिखनी जरूरी है कि किनको प्लान दे दिया किनको जो है आप प्लान देना है और किनका फॉलो अप लेना तो वो अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप उनसे अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाओगे नहीं तो फिर ये होगा कि आपने राहुल को प्लान दिया और आप तो शाम को है फॉलोअप ले रहे हो तो वो अलग रहेगा फिर वो अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं होगा

ये जो है आपको सिर्फ डे वन के अंदर कॉल बात करनी है आपको पहले दिन ही सारी चीजें नहीं बता देनी है अगर कोई नया कॉल्ड प्रोस्पेक्ट भी है या फिर आपका नॉन पर्सन भी है तो अगर उसने आगे से पूछा है कि भाई आप क्या प्रोसेस कर रहे हो क्या बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में मुझे समझाओ तो आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि भाई जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए है ना अभी मेरे को तो सर से बात करनी पड़ेगी प्रोसेस जो है पूरा आपको एमरजेंसी क्रिएट करना है और ऐसे कर देना है तो डे वन आपको कॉल करनी सिर्फ इतना सा उसके बाद में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है नहीं आपको जो है स्टार्टिंग में जो है आपको इन्वाइट करना है ठीक है अगर आप एक ही दिन में अगर सारा प्रोसेस कर दोगे हो सकता है कॉल कॉल कैटेगरी अंदर रिजल्ट जल्दी मिल जाएगी मतलब जो अननोन पर्सन है वो तुरंत ही आपके साथ स्टार्ट कर ले बिजनेस लेकिन अगर आपका नॉन पर्सन है तो आपको स्टार्टिंग में ही उनको इन्वाइट नहीं करना आपको एक दिन का टाइम रखना है कि ठीक है भाई अगर मैं फ्री होता हूँ तो ये मैं आपको कॉल करूंगा या फिर अगर मैं सर से बात कर लूंगा अगर जो सीट्स अवेलेबल होगी वेबिनार की तो मैं कॉल कर दूंगा देन उस सेकंड दिन जो है आप कॉल कीजिए अपने नॉन फ्रेंड अगर नॉन फ्रेंड का अगर आप आईसी कर रहे हैं मतलब इन्विटेशन कर रहे हैं तो आप नॉन फ्रेंड को कीजिए सबसे पहले तो आप जब कॉल कर रहे हो तो आपको शो योर सेल्फ बिजी रखना है <coughs> मतलब कि आप जब कॉल कर रहे हो तो उनको ये बोल सकते हो भाई वैसे तो मैं तो थोड़ा बिजी चल रहा था लेकिन भाई आपको बताना बहुत जरूरी था क्योंकि आपने कल मुझे कॉल किया था और आपने बोला था कि क्या आप काम कर रहे हो उसके बारे में वो बोलेगा हाँ भाई मैंने कॉल किया तो था यार मुझे बताएगा लेकिन आपको ये बोल देना कि भाई मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आपने अब यहाँ पर क्या बोला कि भाई मैं वैसे मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इससे क्या होगा पर्सन की उसको पहले ही पता चल जाएगा कि यार वो बिजी चल रहा है तो वो इतना डिटेल में नहीं बता पाएगा तो वो क्या है कि ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा और अगर आप डायरेक्टली तो भाई क्या कर रहे हो ऐसे अगर नॉर्मल बात करोगे तो फिर वो आपसे जो है फोन पे ही सारी चीजें पूछेगा भाई क्या है कैसी कंपनी है कैसा क्या प्रोजेक्ट है तूने कितने कमा लिए तो वैसे वो सारा जो है जो है चीजें पूछेगा और कहीं ना कहीं जो है अननेसेसरी जो चीजें हो रहती है वो ज्यादा पूछना स्टार्ट कर लेगा फिर आप भी क्या करोगे जो पांच मिनट दो मिनट की जो कन्वर्सेशन है उसको पंद्रह मिनट लेके चले जाओगे और वहां पर जो है वो प्रोस्पेक्ट जो है लूज हो जाएगा तो सिर्फ आपको ये चीज़ करनी है सो योर सेल्फ बिजी आपको बिजी करना स्टार्टिंग में आपको ये बोलना है भाई वैसे तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा था लेकिन भाई तुझे बताना बहुत जरूरी था क्योंकि तूने कुछ मुझे कल जो है बताया था पूछा था कुछ तो उसके बारे में वैसे तो है ना मेरे आ, सर से भी मैंने बात की लेकिन सीट अवेलेबल नहीं थी लेकिन आज जो है मैंने कैसे भी करके तेरी सीट रुकवा ली है तो अभी तू बोलता है तो मैं शाम के लिए जो है सीट अवेलेबल करवा देता हूँ और सर से बात करके फिर मैं जो है मीटिंग का जो है सीट तेरे लिए बुक करवा लेता हूँ जिससे कि तू इस प्रोजेक्ट को समझ सकता है और हम दोनों साथ में इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ ऐसे करके हम बात कर सकते हैं और उसके साथ में ये कर सकते हैं और अर्जेंसी क्रिएट करनी बहुत जरूरी है क्रिएट अर्जेंसी अगर सर हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे तो सिंपल सा प्रोसेस है कि दूल्हे के अगर आ, मतलब कि एक पर्सन के घर में अगर शादी है तो भी वो छोड़ के नहीं आएगा और अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट कर ली तो वो जो घर के अंदर शादी है वो पंद्रह बीस मिनट आधा घंटे के लिए छोड़ के भी आ सकता है ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपको तो मतलब की अर्जेंसी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करती है मतलब सिंपल सा है कि अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई भी पर्सन जो है अपना फेवरेट काम छोड़ के वो नहीं आने वाला क्योंकि हर कोई इंसान कंफर्ट जोन में बैठा है और वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता चाहे वो किसकी कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन अगर उसके सामने कुछ ऐसा चीज आ जाए कि उसको करना ही करना है जैसे कि मान लीजिए एग्जाम एग्जाम से पहले स्टूडेंट क्या करता है भाई उनको पता है कि हमारे छह महीने बाद में एग्जाम है वो स्टडी करेंगे नहीं करेंगे नहीं पांच दिन बढ़ेंगे फिर वो किताब खोलने पड़ेंगे जैसे कि पूरा उनका जो है सिलेबस पूरा क्लियर कर देंगे तो वो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी जैसे अर्जेंसी हमारे सर करते हैं मतलब स्टूडेंट के सर करते हैं क्योंकि पांच दिन पढ़े हैं अभी भी आपको टाइम है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तो ऐसे करके जो है उनको खुद ही दिमाग में चलने लगता है कि यार हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी पाँच दिन ही पढ़े और अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद जो है आ, हमारा जो है रिजल्ट खराब आएगा तो ऐसे करके अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है वहाँ पे तो फिर स्टूडेंट जो है अपनी किताबें छाटने लगता है कि ऐसे ऐसे तो यहाँ पर भी अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी कि इस बिजनेस में मिलने क्या वाला है या तो आप अपना शॉर्ट वीडियो अगर बिजनेस का है या फिर अगर आपने कुछ इनकम ली है उसका आप स्क्रीन शॉट भेज सकते हो आप कॉल पे बता सकते हो भाई मैंने इतने कमाए हैं सिर्फ मैंने सेविंग की अपना जो बिजनेस है वो सेविंग का है तो आप बोल सकते हो कि सेविंग की यार मैंने इतने सारे सरी से सेविंग की और सारी प्रोसेस है तो भाई एक बार देखेगा ना तो तू तो खुद देखेगा कि यार एक्चुअल में इनकम आती है यहाँ से और बहुत अच्छी सी इनकम आती है अगर हमें उस हिसाब से रिप्रेजेंट करना इस चीज को तो वो डेफिनेटली उसको हुक मिल जाएगा कि यार नहीं यार चाहे कुछ भी वो एक घंटा मुझे निकाल के इस वेबिनार को अटेंड करना चाहिए जिसकी बात ये भाई कर रहा है तो वो जरूर आएगा क्योंकि आपने यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट कर ली और इसके बीच में आप एक चीज और यहाँ पर अप्रिशिएट जो है जेन्यूनली अप्रिशिएट भी कर सकते हैं मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई बचपन का फ्रेंड है आपने कॉलेज साथ में किया फिर अगर आपने स्टूडेंट जैसे कि आपने जो है अपनी सेकेंडरी एग्जाम अगर साथ में दिया है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि आपने उसके साथ में टाइम स्पेंड किया था आप बोल सकते हो भाई यार तेरी जो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ना सॉल्विंग तो में बहुत बढ़िया है अगर हम अप्रिशिएट अप्रिशिए अप्रिशिएट करनी है आपको मतलब अगर आप फेक अप्रिशिएट करेंगे मतलब किसी को अगर आप जो है किसी को जैसे तारीफ कर रहे हो तो अगर फेक तारीफ करोगे तो फिर वो है ना मतलब थोड़ा अलग ही लगेगा तो आपको थोड़ा अच्छे से तारीफ करनी है उसकी जो सही चीज लगती है वो आप बोल देना कि मतलब आप उस ये बोल सकते हो भाई यार तेरी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है या फिर उसको आप ड्रेसअप के बोलते हो भाई यार तू जो स्कूल में ड्रेस पहन के आता था वो बहुत बढ़िया थी तो ऐसा करके थोड़ा सा जो है ना मतलब थोड़ा उसको अपने हिसाब से उसको कोरिलेट करके आप बता सकते हो उसकी तारीफ कर सकते हो जिससे कि थोड़ा जो वो बंदा होगा जिस भी मूड में होगा वो हैप्पी मूड में आ जाएगा क्योंकि हर इंसान को जो है अपनी तारीफ करना पसंद लगता है अपनी तारीफ सुनना जो है पसंद लगता है अगर आपको कोई रिस्ते चलते जैसे अगर आप कोई सड़क पर जा रहे हो या फिर अगर आप कोई मार्केट में जा रहे हो आपका जो बचपन का दोस्त मिलता है या फिर आपका कोई जानने वाला मिलता है आपको बोलता भाई यार आपने जो ड्रेस पहनी वो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है यार कभी कहाँ से ली तो आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी यार वाह यार मेरी ड्रेस की तारीफ कर रहा है मेरी पर्सनलिटी की तारीफ कर रहा है तो फिर आप उसको जेन्यून चीज बताओगे तो वही चीज आपको यहाँ पर करना है तो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेना है और जैसे आप बिजनेस में बुला रहे हो तो आप उनको आपको बोल ये, ये बोल सकते हो कि भाई वैसे भी तू प्रॉब्लम सॉल्विंग है वैसे भी तू डिजिटल डिजिटल के बारे में बहुत ज्यादा जानता है इंस्टाग्राम में तेरे इतने अच्छे फॉलोवर है तो अच्छे वैसे जानता ही है और सोशल मीडिया वैसे तू यूज कर जानता है वो बोलेगा यार थैंक यू यार मेरे को इतना अच्छे बताने के लिए तो वो ऑलरेडी जो है थोड़ा सा अप्रिशिएट हो जाएगा और उसको अप्रिशिएट करने के साथ में आप यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो अपने क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और अपने बिजनेस का सिंपल सा पर्पज है यहाँ पर उसको उसकी नॉलेज देना मतलब इस बिजनेस के बारे में नेक्स्ट मीनिंग क्या है उसके जो खर्चे हैं उससे सेविंग करवाना लेकिन लोगों को ये पता नहीं है ना लोगों को सिर्फ उनके दिमाग में ये गुस्सा पड़ा है कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है या फिर स्कैम होती है लेकिन एक्चुअल में जिस इंसान ने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया वो कभी इस चीज को गलत नहीं बोलेगा कि ये चीज़ गलत है तो राइट एजुकेशन राइट नॉलेज तो तो हमें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसको राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर जो उसका लगने क्या वाला वो आप देखें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लगने वाला है उसका कुछ ही इनिशियली टर्न होगा और इनिशियली टर्न के साथ साथ उसको कुछ न कुछ बेहतर चीजें मिल रही होगी राइट

पूरा अटेंड करना आधा दूरा करेगा तो, तो पूरी चीज समझ नहीं पाएगा फिर मुझे वापस कल जो है सर से बात करके वापस तेरे लिए सीट अवेलेबल करवानी पड़ेगी हो सकता है कल मिले ना मिले तो तू भाई आज जो है अगर तेरे को सीट मिल जाती है उसमें एंट्री हो जाती है तो तू तो तो पूरा उस वीडियो को देखना पूरा वेबिनार को देखना ताकि तुझे तो एंड में बहुत सारी चीजें मिलेगी और बहुत सारे जो सक्सेसफुल पर्सन है वो अपनी इनकम भी शो करेंगे वो हो सकता है बहुत सारे जो लोग है जिन्होंने अचीवमेंट लिए वो भी बताएंगे

जो है यूएसपी निकाल सकते हो अपने बिजनेस की बहुत सारी यूएसपी है, है ना यूनिक सेलिंग पॉइंट तो आप उसका एक यूएसपी याद कर सकते हो समझ सकते हो और वो तो ऑलरेडी समझ के उसको समझा सकते हो राइट वो बोलेगा भैया मुझे इंस्टेंट मनी का बहुत अच्छा लगा अपना यूएसपी है जैसे अपनी एप्लीकेशन का यूएसपी है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है अपना इंस्टेंट मनी देता है जैसे ज्वाइनिंग हुई तुरंत पैसे आ जाएंगे तो ऐसे करके हम अपने बिजनेस का भी यूएसपी तो उसको बता सकते हैं कि भाई वो बोलता है कि भाई मुझे इंस्टेंट मनी अच्छी लगी तो उसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल बताइए कि हाँ भाई जैसे सिंपल सा है जैसे तू ज्वाइन करेगा तो तुरंत मुझे पैसा आएगा और मेरे से ऊपर वाले लोगों को भी जाएगा और जैसे किसी को तो तुझे आएगा वेट नहीं करना एक महीने का वेट नहीं वॉलेट में बहुत अच्छे तरीके से जो है मान लो और रिचार्ज भी कर रहा है टीम में तो उसका भी तुरंत आएगा तो वो इस चीज को देख के भाई तुरंत ज्वाइन करेगा और फिर आप भी कर सकते हो और जैसे लास्ट में जो है आपकी कन्वर्सेशन हो रही है फिर आप डायरेक्टली उसको आप थोड़ा सा व्यू पॉइंट के हिसाब से देखिए अभी उसका कुछ डाउट नहीं है तो वो डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कि भाई आप मुझे फोन पे कर रहे हो या फिर गूगल पे कर रहे हो पेमेंट कैसे कर रहे हो आप मतलब क्रेडिट कार्ड से या फिर फोन पे गूगल पे वो बोलेगा कि यार गूगल पे कर देता हूँ मुझे पास में फिर वो है ना डायरेक्टली आप क्योंकि उसका माइंड जो है डायरेक्टली आप पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हो गूगल पे या फिर फोन पे तो वो सोचेगा नहीं ना उसके बारे में कि यार मेरे ज्वाइन करना नहीं करना बस ये चीज़ आप देख बोल के उसको फिर आप ज्वाइन करवा सकते हो वो बोलेगा कि ये मैं गूगल पे भी कर देता हूँ यार मेरे पास में गूगल पे है तो फिर ठीक है आप नंबर देके फिर आप अपना ज्वाइनिंग करवा सकते हो या फिर उनको भी आप बोल सकते हो कि भाई आप है ना वो चीज कर लो अपने वॉलेट में एड ऑन करके आईडी अपग्रेड कर लो सिंपल प्रोसेस बताना है और ज्वाइनिंग एफ्टर आपको क्या करना है सबसे बड़ी चीज ज्वाइन होने के बाद में आपको उसका जो है विजन लिस्ट बनाना है मतलब की उसका जो है बिजनेस ज्वाइन करने का पर्पज बनाना उसी टाइम पे वाई टू ज्वाइन दिस बिजनेस इट्स स्ट्रॉंग वाई अगर जिस इंसान के पास में वाई होगा वो कभी इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा चाहे किसी भी कंडीशन में हो अगर उसके पास में उसका वाई क्लियर है कि मुझे करना क्यों है इस बिजनेस को मुझे किस लिए मैंने ज्वाइन किया इस बिजनेस को तो अगर ये क्लियर हो गया उस इंसान का तो डेफिनेटली जो है वो बंदा कभी इस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाएगा और वो एक अच्छा लीडर बनकर रहेगा मतलब एक बनकर रहेगा इस बिजनेस के अंदर आपके साथ तो उसका वाई जो है क्लियर करना जरूरी है क्योंकि हर कोई इंसान इस बिजनेस में ज्वाइन होता, होता है अपने को वाई की वजह से ही ज्वाइन होता है कोई ना कोई कारण होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का उसका हो सकता है वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो लेना चाहता है या फिर हो सकता है वो टाइम फ्रीडम चाहिए उसको या फिर हो सकता है उसके फैमिली में कुछ बड़ा इनकम चाहिए होता है तो कहीं ना कहीं जो कुछ न कुछ लेके ही यहाँ पर ज्वाइन करता है तो आपको वाई जो है उसको तुरंत ज्वाइनिंग के बाद में उसको वाई क्लिक पर लेना है जितना बड़ा उसका वाई होगा उतना बड़ा वो उस बिजनेस के अंदर लीडर बनने वाला है उसके बाद में सेट गोल अब आपने वाई भी क्लियर कर दिया अब उसके गोल्स क्या है वो एक महीने में तो मतलब क्या करना चाहता है छह महीने में क्या करना चाहता है एक साल में क्या करना चाहता है और जो है छह पांच साल में क्या करना चाहता है तो आपको जो है तीन तरीके कैटेगरी के, के आपको गोल्स बनाने लें गोल्स मतलब की है जो टारगेट है और ये टारगेट उसको अचीव कराना है उसकी हेल्प भी करनी है फर्स्ट जो है शॉर्ट टर्म टारगेट जो है छह महीने का आप ले सकते हैं कि छह महीने में आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस से आप हो सकता है इनकम चाहते हो हो सकता है कि आपको मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करना हो हो सकता है आपका फोन लेना हो हो सकता है आपको कुछ रेंक अचीव करनी हो सकता है आपको कुछ भी करना हो छह महीने के अंदर आप क्या क्या करना चाहते हैं वो आप लिख लो

दिमाग में जो स्टोर कर रखा है जो आपने दिमाग में लेके आप इतने साल से चल रहे हो आपने सोच है कुछ, वो बस लो। की मदद से आप उस डायरी में लिख लो बस सिंपल था ये चीज अगर आपने करवा ली तो जो है वो जब भी इस कॉपी को ओपन करेगा ना तब ये उसके दिमाग में लगेगी यार नहीं यार मैंने अगर नेक्स्ट मनी को ज्वाइन किया तो ये सारी चीजें ऐसे थोड़ी ज्वाइन किया मैंने इस मीडिया को ज्वाइन किया तो ऐसे थोड़ी ज्वाइन किया मेरे साथ में बहुत सारे टारगेट्स है मेरे गोल्स है खुद के तो उसके जो है लगभग लगभग तीस गोल्स बन जाएंगे मतलब शॉर्ट टर्म में अगर दस बना लिए मिड टर्म में दस बना लिए और लॉन्ग टर्म में भी दस बना लिए तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में छोड़ कर नहीं जाएगा ये थोड़ा फुल के साथ में बनाना उसका सपोर्ट करना है अगर आप फिजिकली मिलकर कर रहे हैं तो आप उसको फिजिकली अच्छे तरीके से समझाना है और ये पूरा प्रोसेस समझाना है और उसको भी ये जो है सिस्टम जो आप समझा रहे हो वो उसको बोलना है कि जो भी आपका टीम मेंबर में ज्वाइन हो रहा ना उसको बस ये एज इट इज ट्रांसफर कर दो क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है डुप्लीकेट करोगे डेफिनेटली जो है बिजनेस में बड़ी टीम होगी और कहीं ना कहीं

और कंपनी का ओवरव्यू बता सकते हो कि तो कंपनी कितने सालों से रन कर रही है वो सारा जो प्रोसेस आप स्टेप बाई स्टेप समझा सकते हो उसको ये जो है ज्वाइनिंग के बाद की बात है अगर ज्वाइनिंग के पहले ये देखो बताओगे ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या है कि आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है ज्वाइनिंग के बाद में ये सारी प्रोसेस बतानी क्योंकि उसको जितना ज्यादा डीपली अपनी कंपनी का अपनी प्रोजेक्ट का नॉलेज होगा वो ज्यादा और इंफॉर्मेशन लेने की स्टार्ट करेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा तो ज्वाइन करने के बाद पचास लोगों के सामने बोलना स्टार्ट कर लिया बीस लोगों के सामने बोलना स्टार्ट कर लिया तो वो कहना कि आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग आ चुकी है और वो आपने इस बिजनेस के जरिए लिए हो सकता है कि सक्सेस स्टोरी के अंदर आपने आपने ऐसी कुछ चीजें देखी हो समझी हो जिससे कि आप जो है किसी भी चीज को बहुत इजीली तरीके से आप बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकती हो प्रोजेक्ट एनालिस के बारे में बात कर सकती हो एंड बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है जैसे कि आपने मार्केटिंग के अंदर क्या मतलब मार्केटिंग एक प्रकार से जो है एक एजुकेशन है मार्केटिंग एजुकेशन के अंदर आपने क्या क्या सीखा क्या क्या नई चीजें सीखी और आपके अंदर क्या ऐसी सेल्स की टेक्निक आई जिससे कि आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि जब बिजनेस के अंदर आप कुछ ना कुछ टाइम दोगे एक साल या फिर एक महीना दो महीना दोगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपके अंदर कुछ चेंज हो रही होगी देन उसके बाद में आप फ्यूचर्स प्लानिंग भी कर सकते हो एंड जो आपकी टीम मेट्स उनके साथ में आप मिलकर बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हो एंड उसके बाद में जो है आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो एंड डेफिनेटली जो आप चीजें सीखोगे करोगे तो डेफिनेटली जो है आपकी टीम भी ग्रो करेगी और वैसे जो टाइकोन्स जो है आपके लीडर्स जो है आपकी टीम में आपके जैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे और एक बार अगर पांच आपके जो है पिल्लर खड़े हो गए तो फिर आपको इस बिजनेस में कोई गिरा नहीं सकता क्योंकि आपके पांच पिल्लर जो है इतने मजबूत हो जाएंगे क्योंकि नीव जो है ना वो नीव अगर बड़ी मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं जो है आपकी नींव आपके मकान को कभी गिरने नहीं देगी चाहे कोई आ जाए सांप सिंपलता है अगर आपको अपने टाइकून जो 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 है पांच जो है है आपके आपके पांच पांच पिलर जो है, बहुत शानदार करने पड़ेंगे अगर आपने वो कर लिए और उस पिलर तक अगर आपको जब तक पिलर नहीं मिलते आपके पांच तब तक आपकी खोज जारी रखे ताकि कहीं ना कहीं आपके जो पांच पिलर मिलने के बाद में आपका जो है मकान खड़ा हो सके जो आपने दिमाग में सपनों का मकान बना रखा है वो मकान खड़ा हो सके तो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच इस वेबिनार में मुझे इन्वाइट करने के लिए थैंक यू सो मच अगेन ऑल पार्टिसिपेंट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ग्रेट सर जबरदस्त शानदार और लाजवाब सेशन हमारे ग्रेट युवा लीडर श्रवन राजपूत सर द्वारा कि हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एनडीए परिवार की ओर से सरवन सर को कि आपने जो है इस तरीके से हमें लाभान्वित किया है उसके लिए धन्यवाद आपका पुणे जी welcome achary sir